गुड इवनिंग, मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। ये सारे बच्चों को पता है कि जिसको इस बार एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम देना है, 15 जनवरी तक एनटीपीसी सीबीटी 1 का रिजल्ट आ जाएगा और 14 से 18 फरवरी के बीच में एनटीपीसी सीबीटी 2 का आपका एग्जाम होना है और करीब 7 लाख प्लस बच्चों का इसमें रिजल्ट आना है। मोटा मोटी ये आप समझ लीजिए कि अगर 55 से 65 के बीच में मार्क्स आ रहा है तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपका होगा, और उससे कम भी आ रहा है तो कैटेगरी बाय कैटेगरी संभव है कि तब भी रिजल्ट आ जाए, क्योंकि बाद में जो आपका आफ्टर नॉर्मलाइजेशन जो फ्लक्चुएशन होगा इस पर बहुत कुछ आपका डिपेंड करेगा। तो इसमें हम इस बात पर चर्चा के लिए अभी यहां पर हम हैं कि एनटीपीसी सीबीटी 2 में 35 क्वेश्चन आपका मैथ सेक्शन से पूछा जाना है, और 35 क्वेश्चन मैथ में हमेशा से ये देखा गया है कि ये ऐसा पेपर है मैथ कि जिसमें कि आपका 100% स्कोर संभव है। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो मैथ में आप 35 में 35 मार्क्स आप ला सकते हैं, 32, 33, 34, 35 मार्क्स आप ला सकते हैं कंसेप्ट अगर आपका क्लियर है। तो इसी चीज को समझने के लिए कि आखिर मैथ में किस तरीके से हमको 35 में 35 मार्क्स आएगा, तो एक पैटर्न को आपको समझना पड़ेगा कि इससे पहले जैसे अभी एनटीपीसी सीबीटी 1 का जो एग्जाम हुआ है, किस किस चैप्टर से किस किस चैप्टर का इंपॉर्टेंस उसमें क्या रहा, यानी कि किस किस चैप्टर से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछे गए। हालांकि पिछली बार जो एनटीपीसी सीबीटी 2 का एग्जाम हुआ था उसमें 9 सिटिंग में क्वेश्चन पूछा गया, 9 सिटिंग में एग्जाम हुआ था, और उसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था तो देखा गया था कि क्वेश्चन का पैटर्न इजी था, क्वेश्चन आसान टाइप का ज्यादा पूछा गया, तो मे भी कि इसी तरह का दोबारा से आपका पूछे, लेकिन इसमें एक संशय की स्थिति बनी रहेगी क्योंकि अभी लेटेस्ट जो एग्जाम हुआ था एनटीपीसी सीबीटी 1 का, जिसका रिजल्ट आपका वेट आप रिजल्ट कर रहे हैं, तो हमको कहीं ना कहीं लगता है कि पैटर्न इसी टाइप का आपका फॉलो करेगा। तो इसमें यह हो सकता है कि जैसे पिछले बार देखा गया था कि एडवांस सेक्शन से क्वेश्चन बनिस्पत थोड़ा सा कम था, लेकिन फिर भी उसको हम इग्नोर करके नहीं चल सकते हैं। हमको अर्थमेटिक एडवांस सारे सेक्शन पर समान रूप से ध्यान देना है, क्योंकि अगर सभी पेपर आपका बेहतर रहेगा सारा सेक्शन, तभी आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। इसके लिए बेहद जरूरी है कि क्वेश्चन का एनालिसिस आपके द्वारा, टीचर के द्वारा भी कराया जाए और आप इस बात को समझ पाएं कि आखिर क्वेश्चन पूछ कैसा सकता है। तो आज हमारे सर एन एम पांडे सर हमारे साथ में हैं कि ये एक हम एक्स का डेमो आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एनालिसिस इसका होगा। तो इसमें आप पाएंगे कि जैसे देख लीजिए, इसमें दिया हुआ है कि हर टॉपिक का नाम दिया हुआ है और हर टॉपिक से नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने पूछे गए हैं इसका डिटेल दिया गया है। ये देख लीजिए, इसका ये भी स्लाइड उसी का है, सारे टॉपिक का इसमें नाम दिया गया है और नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने कितने रहना है, उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट वाइज सॉरी टॉपिक वाइज ध्यान देना है, चैप्टर वाइज ध्यान देना है कि उस चैप्टर पे जिससे ज्यादा क्वेश्चन पूछा गया है उस पर ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत है। तो सर एक बार डिटेल एनालिसिस कर देंगे, और दूसरा महत्वपूर्ण बात ये होगी कि साथ साथ कि इसमें हम ये चीज करने जा रहे हैं कि 10 दिसंबर से 2 बजे से 3 बजे के बीच में एक एनएम पांडे सर के द्वारा ही इसका डिटेल बैच, जिसमें कि 500 प्लस सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा और उसमें पूरा कंसेप्ट के साथ सारा क्वेश्चन उसमें बताया जाएगा, जिससे कि थोड़ा भी आपको प्रॉब्लम ना रह जाए, और सारे टाइप का क्वेश्चन उसमें आना चाहिए और जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछा गया है उस हिसाब से क्वेश्चन का उसमें कलेक्शन रहेगा। हमारा मानना है कि अगर एक बार बेहतर तरीके से पूरा एनालिसिस हम कर देते हैं, उसके बाद 500 प्लस क्वेश्चन अगर आपका पूरा कंसेप्ट के साथ करा देते हैं टॉपिक बाय टॉपिक, तो मेरे ख्याल से आपका 99% क्वेश्चन आपसे बनेगा ही बनेगा, क्वेश्चन छूटने की संभावनाएं बिल्कुल नगण्य रह जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये सर इसका डिटेल एनालिसिस करें और आप इस पर निश्चित रूप से गौर करें, जिससे कि आप खुद से पढ़ें या सर के द्वारा पढ़ें तो उस हिसाब से फोकस आप उस पर कर पाएं। एक बात और इसमें हम कहना चाहेंगे कि जो ऑफलाइन मोड में बच्चे यहाँ टेस्ट देना चाहते हैं प्लेटफॉर्म में, जो पटना आना चाहते हैं, तो बेहिचक आप यहाँ पर आइए। 2 महीना एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए पूरी तरीके से दिन रात एक करके आप तैयारी कीजिए। बहुत सारा छोटा छोटा टेस्ट है, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है और टारगेट बैच है सब्जेक्ट वाइज, जिस तरह का अभी आपका जा रहा है सारा ऑनलाइन मोड में भी जाएगा और ऑफलाइन मोड में भी सारा टेस्ट जाएगा, तो इसका लाभ आप 100% उठा सकते हैं। और कोशिश अंततः अपना यही है कि जो टारगेट 120 में 100 प्लस का है वहां तक हम पहुंचे,
और ये धीरे धीरे करके ही आप सब्जेक्ट वाइज मेहनत करके ही आप मैक्सिमम तक पहुंच सकते हैं। इसी कड़ी में एक इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं कि अपना सप्ताह में 2 टेस्ट ऑफलाइन मोड में एनटीपीसी सीबीटी 2 का होता है, 2 टेस्ट सप्ताह में, और कंप्लीट बाइलिंगुअल टेस्ट होता है, और उसका 100% डिस्कशन क्लास भी उपलब्ध होता है। तो हमारा प्रत्येक मंगलवार और बृहस्पतिवार को टेस्ट होता है और बुधवार और शुक्रवार को इसका डिस्कशन होता है। तो पहली बार हम करने जा रहे हैं, एकदम मिनिमम फी ऑफलाइन टेस्ट का हम करने जा रहे हैं। मात्र 10 रुपया में आप यहाँ कोचिंग आकर के ऑफलाइन टेस्ट आप में पार्टिसिपेट आप कर सकते हैं। मात्र 10 रुपया लगेगा कंप्लीट बाइलिंगुअल टेस्ट, इससे ज्यादा हमारा कॉस्ट पड़ता है, और उसका 100% डिस्कशन भी आपका होगा। इसलिए 2 महीने में आपका 15-16 तक टेस्ट हो पाएगा, अगर चाहे तो 100% उसका लाभ उठा करके, और अधिक से अधिक बच्चों के बीच अपना आप रिजल्ट देखें कि हमारा ओवरऑल रैंक कितना आप आ रहा है। और जब इतने बच्चों में बहुत अच्छा रैंक नहीं आ पाएगा तो क्या उम्मीद करेंगे कि जहां 7 लाख बच्चे बैठेंगे हमारा रिजल्ट हो जाएगा? ये कदापि संभव नहीं है। आप कहीं पर भी अभी आप टेस्ट देते हो, ग्रुप में देते हो, जहां भी देते हो, लेकिन सप्ताह में 2 टेस्ट हमारे साथ दीजिए और अपना एवेल्यूशन कीजिए। बाकी अभी सर मैथ का डिटेल एनालिसिस करेंगे। पांडे सर, धन्यवाद सर। नमस्कार दोस्तों, मैं एनएम पांडे। फिर से देखिए, आज जैसा कि सर ने बताया, एनालिसिस ऑफ एनटीपीसी सीबीटी 1 क्या है कि आपको 35 में मिनिमम मान के चलना है कि 32 मार्क्स प्लस आने चाहिए। अगर अच्छा स्कोर करना है, मेरिट में आना है, तो इसके लिए क्या है, सबसे पहले हम लोग को सिलेबस समझना होगा। सबसे पहले एनालिसिस को देखना होगा कि किस चैप्टर से कहां कितना सवाल पूछा गया है। हमने तैयार किया है जो 135 134 शिफ्ट में आपका एग्जाम हुआ था, उसको देखते हुए हमने पूरा का पूरा एनालिसिस किया है कि किस चैप्टर से टॉपिक वाइज कितना सवाल पूछा गया है एनटीपीसी सीबीटी 1 में, उसके हिसाब से ही हम लोग तैयारी करेंगे। क्लियर है? आगे देखते हैं क्या है हमारे पास। सबसे पहला जो है चैप्टर नेम देख लीजिए क्या है, नंबर सिस्टम, एलसीएम एंड एससीएफ एंड सिंप्लीफिकेशन। मिनिमम 8 क्वेश्चन हर शिफ्ट में पूछा गया है और मैक्सिमम 13 तक पूछा गया है। मेरी बात समझिएगा, हमने क्या कहा, नंबर सिस्टम, एलसीएम एससीएफ एंड सिंप्लीफिकेशन, मिनिमम 8 क्वेश्चन और मैक्सिमम कितने, 13 सवाल। इसका मतलब औसतन अगर हम निकालें हर शिफ्ट का, तो मिनिमम 10 क्वेश्चन आपके यहां से पूछे गए हैं हर शिफ्ट में। 10 सवाल नंबर सिस्टम, एलसीएम एससीएफ एंड सिंप्लीफिकेशन से आपका पूछा गया है। दूसरा अगर टॉपिक लेते हैं हम लोग, पाइप एंड सिस्टर्न, नल और टंकी, तो इसमें क्या है, किसी किसी शिफ्ट में एक भी सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन कुछ शिफ्ट में आपका एक सवाल देखने को मिलेगा, और वो भी बेहतर सवाल देखने को मिलेगा। इसलिए हम लोग इसका एवरेज मानते हैं कि एक सवाल आपका पाइप एंड सिस्टर्न से पूछा जा सकता है मेरे दोस्त। अब ध्यान देना है तीसरा जो है, टाइम एंड वर्क। टाइम एंड वर्क एक ऐसा चैप्टर है जो कि मिनिमम 1 क्वेश्चन तक पूछा गया है, लेकिन मैक्सिमम आपके 3-3 सवाल पूछे गए हैं। यानी औसत अगर निकाले हम लोग, औसत निकाले तो औसत हर शिफ्ट में 2 सवाल का एवरेज आपका टाइम एंड वर्क का है। अगला अगर चैप्टर की बात करें, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, 1 से 3, ध्यान दीजिएगा, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का नंबर ऑफ क्वेश्चन मिनिमम 1 और मैक्सिमम 3। लेकिन ध्यान देंगे, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का आप देखे भी होंगे, जो भी सवाल पूछा गया है वो एक बेहतर सवाल पूछा गया है मेरे दोस्त, बहुत अच्छा लेवल का पूछा गया है। तो इसको हम लोग देखेंगे, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से आपको मिनिमम 2 क्वेश्चन मिल सकते हैं हर शिफ्ट में। उसके बाद रेशियो एंड प्रोपोर्शनल डिवीजन से देख लीजिए, औसतन 1 एवरेज है, मिनिमम 0 नहीं भी पूछा है, पूछा भी है तो 1 सवाल पूछा है, ठीक है, मिनिमम 1 सवाल पूछा गया है। एलिगेशन ऑफ मिक्सचर, एलिगेशन ऑफ मिक्सचर से आपका 1 से 2 मिनिमम 1 सवाल, मैक्सिमम 2 सवाल, मिनिमम 1 सवाल, मैक्सिमम 2 सवाल, अर्थात एवरेज आपका 1 सवाल का रहा है। अगर हम बात करें औसत की, तो औसत में आपका कभी कभी सवाल पूछा भी गया है और कभी कभी सवाल नहीं भी पूछा गया है। तो जब नहीं पूछा गया है तो उसकी संख्या 0, और पूछा गया है तो हो सकता है कि 1 सवाल भी पूछा गया और मैक्सिमम 2 सवाल तक पूछे गए हैं CBT 1 में। तो आपका एवरेज जो होगा, 1 सवाल का मान के चलिए कि एवरेज से आपका 1 सवाल मिनिमम आना ही आना है मेरे दोस्त। अगला है पार्टनरशिप, साझेदारी। साझेदारी से आपका देख लीजिए,
एक सवाल जीरो से एक सवाल है, कभी एक सवाल पूछा भी गया है, कभी एक सवाल नहीं भी पूछा गया है, अर्थात एवरेज हम मान के चलें कि एक सवाल आपका पार्टनरशिप से भी हो सकता है, साझेदारी से भी हो सकता है। नेक्स्ट अगर चैप्टर की बात करें एज, एज में भी वही है, जीरो से एक यानी मिनिमम आपका जीरो और मैक्सिमम वन, यानी किसी शिफ्ट में पूछा गया है और किसी शिफ्ट में नहीं पूछा गया है, अर्थात आपका एवरेज जो है वह कितने का है, एक का है, एक सवाल आपका एवरेज एज से भी हो सकता है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, पीएलडी, प्रॉफिट एंड लॉस और डिस्काउंट से देख लीजिए, एक से तीन सवाल, मिनिमम एक सवाल है, मिनिमम आपका एक सवाल है और मैक्सिमम तीन सवाल इस चैप्टर से पूछे गए हैं प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से, यानी एवरेज अगर आप निकालें तो एवरेज आपका कितने का होगा, दो का क्वेश्चन का होगा, यानी प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट से आपको मिनिमम दो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड है आपका देख लीजिए सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट मिनिमम एक मैक्सिमम दो, मिनिमम एक मैक्सिमम दो, अगर एवरेज की बात करें तो एक सवाल आपको देखने को मिल सकता है, एक सवाल आपका सिंपल इंटरेस्ट से भी रह सकता है, पूछा जा सकता है आपके सीबीटी 2 में। कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो कंपाउंड इंटरेस्ट में कभी कभी एक भी सवाल नहीं पूछा गया है, लेकिन कभी कभी एक सवाल पूछा गया है, यानी एवरेज आप मान के चले कि एक सवाल आपको सीआई को देखने को मिल सकता है, एक सवाल सीआई से आपका रह सकता है। परसेंटेज की बात करें तो परसेंटेज में देख लीजिए एक से तीन सवाल, यानी एक सवाल मिनिमम और तीन सवाल मैक्सिमम, औसत अगर निकाले तो हम लोग एवरेज कहेंगे कि दो सवाल मैक्सिमम हो सकता है एवरेज से, एवरेज सॉरी परसेंटेज से आपका क्या हो सकता है, दो क्वेश्चन हो सकता है। बोट एंड स्ट्रीम से ध्यान दीजिएगा जीरो से एक क्वेश्चन, यानी किसी शिफ्ट में आपको सवाल पूछे ही नहीं गए हैं, लेकिन जिस शिफ्ट में ये सवाल पूछे गए हैं तो उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ा के पूछा गया है, यानी एवरेज आप एक सवाल कह सकते हैं, एवरेज आपका एक सवाल का होगा बोट एंड स्ट्रीम से, नाव और धारा से। नेक्स्ट टॉपिक की ओर हम लोग बढ़ते हैं, ट्रिगो, त्रिकोणमिति, मिनिमम एक सवाल और मैक्सिमम तीन सवाल, मिनिमम एक सवाल और मैक्सिमम तीन सवाल, अर्थात आप कह सकते हैं कि एवरेज जो है ट्रिगो से दो सवाल का है, यानी ट्रिगो एडवांस मैथ्स अब आपका स्टार्ट हो चुका है, एडवांस मैथ्स में ट्रिगो से केवल दो सवाल हर शिफ्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है एलजेब्रा, एलजेब्रा से हर शिफ्ट में जीरो से दो, यानी जीरो मिनिमम है और दो मैक्सिमम है, अर्थात एक दो सवाल आपका बिल्कुल रह सकता है, यानी एवरेज इसका भी निकाले तो हम कह सकते हैं कि अलजेब्रा से आपके दो क्वेश्चन रहने की प्रबल संभावना है। अगर बात करें हम लोग ज्योमेट्री की तो ज्योमेट्री में देखिए मिनिमम एक सवाल है और मैक्सिमम चार सवाल है, यानी मिनिमम एक मैक्सिमम चार, किसी किसी शिफ्ट में चार सवाल केवल आपका केवल क्या है ज्योमेट्री से पूछा गया है। अगर एवरेज की बात करें तो एवरेज आपका दो सवाल का होगा, एवरेज दो सवाल हो सकता है आपका ज्यामिति से। स्टैटिक्स की बात करें तो स्टैटिक्स एक से तीन, सांख्यिकी जो है मिनिमम एक सवाल और मैक्सिमम तीन सवाल तक पूछे गए हैं, यानी एवरेज अब आप निकाल रहे होंगे तो एवरेज आपका कितना हो जाएगा, दो क्वेश्चन का हो जाएगा, यानी स्टैटिक्स से आपके दो सवाल पूछे जा सकते हैं। उसके बाद हाइट एंड डिस्टेंस, हाइट एंड डिस्टेंस से आपको एक से जीरो, जीरो से एक सवाल, अर्थात मिनिमम जीरो मैक्सिमम एक सवाल पूछे जा सकते हैं, इसका एवरेज हम मान लेते हैं कि एक सवाल का इसका एवरेज होगा। उसके बाद हम लोग डीआई की ओर आगे बढ़ते हैं, तो डीआई में जो है आप ध्यान देंगे डीआई का लेवल सीबीटी 1 में बेहतर रहा था, डीआई का लेवल जो है बेहतर रहा था, मिनिमम आपका एक सवाल मैक्सिमम आपका चार सवाल, मिनिमम एक सवाल मैक्सिमम चार सवाल, एवरेज आपका दो से तीन सवाल रहने की प्रबल संभावना है डीआई से। नंबर ऑफ क्वेश्चन ध्यान देंगे सीबीटी 1 में नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके शिफ्ट में 32-33 भी थे, इसलिए ये एनालिसिस है, लेकिन क्या है कि सीबीटी 2 का जो एनालिसिस होगा नंबर ऑफ क्वेश्चन 35 तो अपना ऑफिशियल नोटिस है कि 35 आपका क्वेश्चन रहना है, बट नंबर ऑफ क्वेश्चन 4 प्लस 2 माइनस ऐसा हो सकता है आपको देखने को मिल सकता है, तो यहां नंबर ऑफ क्वेश्चन थोड़ा सा स्लाइटली बढ़ेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट आप स्लाइड की ओर आगे बढ़े तो नेक्स्ट स्लाइड में है आपका मिसलेनियस विविध, अब कहेंगे सर ये मिसलेनियस क्या है, मिनिमम एक सवाल और मैक्सिमम दो सवाल, ये मिसलेनियस में क्या है मेरे दोस्त, रोमन अंक हो गए लिखने के लिए, 555 को रोमन में रिप्रेजेंट करे, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसको किसी चैप्टर में आप नहीं पढ़ा सकते हैं, आप उसको कॉमन सेंस के हिसाब से देखना पड़ेगा, तो मिसलेनियस जो क्वेश्चन पूछे गए हैं एक से दो सवाल आपका पूछा गया है, एवरेज जो इसका होगा एवरेज कितने का, एक क्वेश्चन का होगा। प्रोबेबिलिटी से आपका
कहीं कहीं सवाल पूछा भी गया है और कहीं कहीं सवाल नहीं भी पूछा गया, अर्थात जीरो से एक सवाल, अर्थात मिनिमम जीरो और मैक्सिमम कितने, एक सवाल पूछे गए हैं। ये पूरे सीबीटी वन के एनालिसिस थे जो अभी 134 शिफ्ट में आपका एग्जाम्स हुआ है उसका। अब बात करते हैं लेवल, फाइनल एनालिसिस लेवल ऑफ द क्वेश्चंस, लेवल ऑफ द क्वेश्चंस। लेवल क्या था, चाहे आप किसी भी शिफ्ट में देखें तो हमारे पास एकदम इजी जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वह थे मेरे दोस्त 30-40%। 30-40% आपका इजी क्वेश्चंस था, एकदम इजी, आपको देखने से ही पता चल जाएगा इसका आंसर क्या होगा। मॉडरेट क्वेश्चन जो आपको बनाने पड़ेंगे वो आपके थे कितने, 40-50, और हार्ड जो क्वेश्चंस थे वो उनका रहा एनालिसिस मेरा 10-20%। यही आपका लेवल जो होगा सीबीटी 2 में भी रहने की संभावना है, बिल्कुल रहेगी। आपको 30-40 इजी, मॉडरेट आपका 40-50, और हार्ड आपका 10-20% तक रहने की प्रबल संभावना है। इस एनालिसिस को आप समझे होंगे और इसी के हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करेंगे, ये मुझे उम्मीद है। इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, एक नया बैच हम ला रहे हैं, एक नया बैच हम ला रहे हैं सीबीटी 2 के लिए, सीबीटी 2 के लिए मैथ्स टारगेट, मैथ्स टारगेट, मैथ्स टारगेट केवल और केवल 99 रुपये में, केवल और केवल क्या 99 रुपये में, जिसमें क्या होगा, सबसे पहले उस चैप्टर, कोई भी चैप्टर शुरू होता है तो उससे पहले आपको कंसेप्ट दे देंगे, बेसिक चीजें थोड़ी सी बताई जाएगी। क्योंकि होता क्या है कि आपका यदि छूटा हुआ है, एजुकेशन से थोड़ा सा नाता टूटा हुआ था इधर बीच में, तो अगर थोड़ा सा छूटा हुआ है पढ़ाई लिखाई तो थोड़ा सा आप रिकैप कर लेंगे उस सारे कंसेप्ट को। कंसेप्ट के साथ हर टाइप का, चाहे वो इजी हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो लेवल हो, हर टाइप के सवाल आपको कम से कम हर चैप्टर में 25-30 सवाल कराए जाएंगे। अब आप समझ सकते हैं मेरे दोस्त कि अगर आपके पास 30 चैप्टर है तो 25-30 क्वेश्चन का एवरेज मान के चलिए, तो मिनिमम 500-700 के बीच में ये नंबर ऑफ क्वेश्चंस रहेंगे। ये क्वेश्चंस आपको पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड मिलेंगे, और दूसरी बात ये है कि ओनली और ओनली 99 रुपीज है, और उसके साथ कंसेप्ट मेन जो है आपको कंसेप्ट भी बताया जाएगा, बिल्कुल बेसिक से बताया जाएगा। और उम्मीद करता हूं कि आप इसका भरपूर लाभ उठाएंगे, और एक बार हमें आप मौका दीजिए, दावा ये मेरा रहेगा कि 35 नंबर के एग्जाम में आप 35 में 35 लाएं, 34 नहीं होना चाहिए, ये मेरा वादा है आपसे। अगर आप मेरे अनुसार चलेंगे, मेरे कहने के अनुसार चलेंगे, तो मेरा ये वादा है कि आपको 35 में 35 दिलाना ही मेरा काम है। आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।